तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से हमारा अगर जो लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट होता है, ये आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ जो ये यूएसबी पोर्ट है ये लगा हुआ है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप कैसे इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसकी डीवीडी की जो है वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लिए कैसे निकालते हैं इसको और आप रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमें जो है कवर यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, तो कवर की भी वीडियो मैंने बना ली है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कैसे कवर इसका ओपन करते हैं, इस मॉडल का, ये जो मॉडल है इस मॉडल का कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने स्पीकर की भी वीडियो बना ली है कैसे स्पीकर को निकालते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे ये स्पीकर रखे हुए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे स्पीकर की। तो आज मैं आपको बताऊँगा यूएसबी पोर्ट अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा है, ये ख़राब हो जाते हैं, ये तो लैपटॉप में यूज़ करते हैं हम, यूएसबी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर या माउस या कीबोर्ड लगा लेते हैं कभी, तो किस तरह से इसको रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको सिर्फ यहाँ जाएंगे और ये जो आप लॉक देख रहे होंगे इस लॉक को ऊपर करेंगे और इसको ऐसे धीरे से, इसमें कोई स्क्रू नहीं लगे हुए, सिर्फ ऐसे आपको उठा के ये यहाँ से और अलग कर लेना है इसको। और ये जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये है तो आप ये जो है ख़रीद सकते हैं मार्केट में जाके, कंप्यूटर की शॉप से जाके या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये जो मॉडल है इस मॉडल का है ये, तो मैंने आपको दिखा दिया है ये जो मॉडल है, ये आप बताएँगे लैपटॉप का तो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये कार्ड जो है आप ले जाएं। तो मैं आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ दोबारा से मॉडल, ये है HP 15BS003TU और आप ये USB कार्ड जो है ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये USB का है। तो उसको दोबारा से कैसे लगाएंगे आप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये इस यहाँ पर ये जो है ये वाला हिस्सा स्क्वायर इस तरह से जो कटा हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले आप इसको ऊपर कर लें और यहाँ पे इसको इस तरह से रखें, ये देखिए मैंने रख दिया है, और यहाँ पे फिर उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ जाके इसको धीरे से यहाँ इस तरह से रखना है, यहाँ ये ऐसे करके इसको धीरे से, ये देखिए ये अंदर चला गया, यहाँ ये बिल्कुल सही चला गया है यहाँ यहाँ पे, और ये यहाँ USB लिखा है, और इसको आप ऐसे अंगूठे से प्रेस कर देंगे ये उंगली से, तो ये देखिए दब गया है और ये कार्ड सही से लग गया है यहाँ। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर आपको ये चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए और ये मॉडल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।